हे गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट्रिंगर्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड से जुड़ी 8 बड़ी खबरें। तो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, द फैमिली मैन 2 के फैंस को मिला जबरदस्त सरप्राइज, एक दिन पहले ही रिलीज हुई वेब सीरीज। मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 अमेजन प्राइम पर 4 जून को रिलीज होनी थी, पर इस वेब सीरीज को 3 जून को ही देर रात रिलीज कर दिया गया। नंबर 7, सैफ अली खान और जैकलिन फर्नांडिस की नई फिल्म भूत पुलिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम स्टारर भूत पुलिस को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इस खबर की पुष्टि फिल्म निर्माता रमेश तौरानी ने एक इंटरव्यू के दौरान की। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि नवंबर 2021 से पहले थिएटर नहीं खुलेंगे, वो भी 50% क्षमता के साथ। नंबर 6, गली बॉय के बाद फिर साथ होंगे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। करण जौहर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ एक मॉडर्न लव स्टोरी फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के साथ ही करण जौहर 4 साल बाद फिल्म डायरेक्शन में फिर से वापसी करेंगे। नंबर 5, अपार शक्ति खुराना ने शेयर की अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ एक खूबसूरत पिक, बताया क्यों लॉकडाउन में प्लान किया बेबी। खुराना परिवार में लंबे समय के बाद एक बार फिर किलकारियां गूंजने वाली हैं। आयुष्मान खुराना ताऊ बनने जा रहे हैं। उनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना ने पापा बनने की खुशी के साथ हाल ही में अपनी प्रेग्नेंट पत्नी आकृति आहूजा की बेबी बम्प के साथ एक तस्वीर शेयर की है जो काफ़ी वायरल हो रही है। नंबर 4, ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार के साथ दिखेंगे कालीन भैया। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी ज़बरदस्त फिटनेस के साथ ही एक साल में कई फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक हिट फिल्म रही ओ माई गॉड, खबर है कि अब इसका सीक्वल बनने जा रहा है। इसके पहले भाग में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल लीड रोल में थे, पर अब खबर है कि इसके सीक्वल में इनकी जगह पंकज त्रिपाठी दिखाई देंगे। नंबर 3, 13 साल की हुई बजरंगी भाईजान की मुन्नी 6 साल में इतनी बदल गई हर्षाली मल्होत्रा। साल 2015 में आई बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान एक सुपरहिट फिल्म रही थी। इस फिल्म में सलमान, करीना के अलावा जो नया चेहरा लोगों को पसंद आया वो था हर्षाली मल्होत्रा का। फिल्म रिलीज के 6 साल बाद अब हर्षाली काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हर्षाली ने कल ही अपने 13वें बर्थडे की पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर की। नंबर 2, टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के खिलाफ FIR दर्ज, मुंबई पुलिस ने हीरोपंथी से बचने की सलाह दी। बॉलीवुड के रूमर्ड कपल दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ पर मुंबई पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है। मुंबई में लगे लॉकडाउन के बीच ये घूमते हुए पाए गए थे। जब पुलिस ने इनकी कार को बांद्रा में रोका तो बाहर घूमने का रीजन पूछा तो इन दोनों के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था, जिस वजह से पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर इन पर FIR दर्ज कर ली है। नंबर 1, सुहाना ने ब्लैक पार्लेट में शेयर की अपनी फोटो हुआ वायरल। बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान भले ही इन दिनों विदेश में है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अक्सर अपने फैन से जुड़ी रहती हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर अभी हाल ही में सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें सुहाना ने एक ब्लैक कलर की ब्रैलेट पहनी है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो गाइस, ये थी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ 8 बड़ी खबरें। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।